इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। साथ में खड़े हो जाएं राजा हवन करने के लिए। अर्यमणं देवं कन्या अग्नि अयक्षत सनो अर्यमा देव प्रेतो मुञ्चतो मा पतहे। ओम इयं नारी उपब्रूते लाजान आवपत्तिका आयुष्मान अस्तु मे पतिः एधत्ता ज्ञातयो मम। ओम इमां लाजान आवपामि अग्नौ समृद्धिं करणं तव मम तुभ्यं च संवनं तत् अग्नि अनुमन्यताम् इयं स्वाहा। भावार्थ है हे अब लाजा हवन यानी मंगल फेरे शुरू हो रहे हैं। पहलो तो फेरो लीनो दादा सारी पोती आगे आगे बनड़ी पीछे लड़ जवाई। पहलो तो फेरो लीनो बाबो सारी पोती आगे आगे बनड़ी पीछे लड़ जवाई। दादो सारी पोती आगे आगे बनड़ी लाडे लाड जवाई। वो पहलो तो फेरो ली दो दादो सारी पोती आगे आगे बनड़ी लाडे लाड जवाई। वो पहलो तो फेरो ली दो दादो सारी पोती आगे आगे बनड़ी आड़े आड़े जवाई। सब लोग तालियां बजा के इनको आशीर्वाद दे सकते हैं यहां से। सारी पोती आगे आगे बढ़ड़ी लाडे लाड जवाई। अब दूसरे फेरे में भी इन्हीं मंत्रों का उच्चारण होगा, सेम पहले फेरे की तरह अग्नि में ॐ अर्यमणं देवं कन्या अग्नि अयक्षत सनो अर्यमा देव प्रेतो मुञ्चतु मा पतहे। ॐ इयं नारी उपब्रूते लाजान आवपन्तिका आयुष्मान अस्तु मे पतिः एधन्ता ज्ञातयो ममः। ॐ इमां लाजान आवपामि अग्नौ समृद्धिं करणं तव मम तुभ्यं च संवनं तत् अग्नि अनुमन्यताम् इयं स्वाहा।
जय हो जय हो। आगे आगे बलड़ी लाड जवाई हो तू जो तो फेरोली दो मामा सारी लाडली आगे आगे बलड़ी लाड जवाई हो आगे आगे बलड़ी लाड जवाई। अब तीसरे फेरे में भी इन्हीं मंत्रों का उच्चारण होगा। ओम अर्यमणं देवं कन्या अग्नि अयक्षत सनो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु मा पतहे। ओम इयं नारी उपब्रूते लाजान आवपंतिका आयुष्मान अस्तु मे पतिः एधन्ता ज्ञातयो ममः। ओम इमां लाजान आवपामि अग्नौ समृद्धिं करणं तव मम तुभ्यं च संवनं तत् अग्नि अनुमन्यताम् इयम् स्वाहा। जय हो जय हो। सुरेश जी, सुरेश जी, अब चौथा फेरा होने जा रहा है जिसमें वर आगे चलेंगे और कन्या उनके पीछे चलेंगे। और ये चौथे फेरे में हम सबसे विनती करेंगे कि आप तालियों के साथ उनका स्वागत करें। चौथे फेरे में इन मंत्रों का उच्चारण होता है। ओम आरोह इमाम अश्मान अश्मा इव स्थिर भव अभितिष्ठ प्रतन्नत अपवादस्व प्रतनायत। ओम भगाय स्वाहा। और इसी के साथ चौथा और फाइनल फेरा। आप लोग भी तालियां बजेगी तो और अच्छा लगेगा। तालियों की गड़गड़ाहट से आज के हमारे राजा और रानी को जितना हो सके उतना आशीर्वाद दीजिए। सब लोग साथ मिलकर ताली बजाएं। कम ऑन एवरीवन। Oh,
अब हमारी नवधु मोहिना सिंह जी की मम्मी की तरफ से, उनकी माता श्री की तरफ से बधाई। अवधेश जी मंडप में आ जाएं। अवधेश जी मंडप में, पुरोहित जी आपको याद कर रहे हैं। अवधेश जी मंडप में आ जाएं। इस शुभ अवसर पर एक बहुत ही पारंपरिक बधाई। ये जो बेवाय पंडित जी, ये जो शास्त्र विधान है उसमें चार ही फेरे होते हैं। तीन फेरे में अभी जो बताया भी गया है कि कन्या आगे होती है, चौथे फेरे में वर आगे होता है। तो चार फेरे हो चुके हैं, लेकिन सप्तपदी के अनुसार हमारे यहाँ विधान है कि सात फेरे होते हैं। अब बिना उसके वर जो है आगे होते हुए तीन फेरे लगातार लेंगे, तीन फेरे। चलो ओम सहस्र दीर्घ पुरुग सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि घुं सर्वत श्रुतव ज्योतिश्रद्ध सांगुलम पुरुग ए वेद घुं सर्व जद भूतम जच भाव्यम उत अमृत सुजे सानो जदन्ने नातिरोहति एदावान समय मातु जायास पुरुग पादो सविश्वा भूतानि पाद सामृतं निवित्रपादो रवदे पुरुग पादो सेहा भोत्मन तदो विकाम सासनानसने अभि तदो विराट जायत विराजो अजपोरुग सजातो अचरितवसा भूमि मदो पुरा तस्मा धन्या सर्वभूतः संवृतं मृगराजं महत् पदो जालग्रेवायप्यानारण्या ग्राम्या सजे तस्मा धन्या सर्वभूतरिचः सामान्यजन्यरि छन्दा घुंसिजन्यरि तस्मात् तस्मादजायत तस्मात्स्वाजायन्त जे केचो भयातटः गावो हजतिरि तस्मात्स्मा जाता अजावयः तं जन्म परिहि प्रोक्षन् पुरुघञ्जातमकृतः तेन देवा अयजन्त साध्यादिकयस्य जे यत्पुरुगं व्यदतुः कतिधाप्य कल्पयन्न मुखं किमस्यादित्यं बाहु किमो रूपादा उचेते ब्राह्मणो जमुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः पूरो तदसजद वैश्यः पृथिव्यांगं सूत्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातकजोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस प्राणसमुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंसिष्णोर्ध्वोः समवर्तत पृथिव्यां भूमृजः श्रोत्रादलोकान् अकल्पयन्न जदपुरुकेण हविका देवादिनमदन्वदा वसन्तो जासेदाचक्रेग्मन्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्थिः सप्तसमिदः ऋताः देवा जदन्तन्वाना अवदनन् पुरुकं पदोम जननेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सदन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः गोकुल में राधे राधे मथुरा में राधे राधे गोकुल में राधे राधे मथुरा में राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे सभी लोग अपने अपने जगह पर नीचे बैठ जाएं। पंडित जी सुरेश जी एक बधाई गाएंगे यहां से। हो मिथिला का कण कण खिला जवाई राजा राम मिला। हाँ मिथिला का कण कण खिला जवाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला जवाई राजा
सुंदर जोड़ी ऐसे सोहे, सुंदर जोड़ी ऐसी सोहे, सुर नर मुनियों के मन मोहे, सुर नर मुनियों के मन मोहे, उठेगी सब मिल आशीष आए, उठेगी सब मिल के आशीष आए, जवाई राजा राम मिला आप सभी लोग बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी लोग ध्यान से सुने, अब ये अब यहां पर विवाह एक प्रकार से संपन्नता की ओर चला ही गया है, तो वर कन्या से कहता है, ध्यान से सुने इस बात को, ध्यान से सुने, आप सुनेंगे नहीं तो फिर आपके समझ में ये बात आएगी नहीं, कि कन्या को वर बोलता है कि आपके पिताजी ने अपने सगे संबंधियों के समेत आपका हाथ मुझे पकड़ाया है, अब आपको मेरे बाम भाग में स्थित हो जाना चाहिए। तो लेकिन कन्या बोलती, मैं ऐसे ही आपके बाम भाग में कैसे आ जाऊं, नदानेन विवाहोस्ति लाजा होमेन नैव च विवाहोस्तु तदा ज्ञेयु तदा सप्तक पदाक्रमः संति मे सप्तवाक्यानि त्वया गृहाणानि सर्वदा एवं यदि प्रमाणं ते वामांगं संभजाम्यहम्। मुझे पता है कि मुझे सबके सामने साक्षी, अग्निदेव के साक्षी होते हुए आपके साथ मैंने लावा फेरा है, ये सब मैं जानती हूँ, सगे संबंधियों के बीच में मैंने आपके साथ पाणि ग्रहण किया है, यह सब मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप उनको पूर्ण कर सकते हैं तो मैं आपके बाम भाग में बैठूंगी, अन्यथा अभी हम दाहिने भाग में ही रहेंगे। ठीक है, तो फिर वर के द्वारा पूछा जाता है कि आपकी ऐसी कौन सी शर्तें हैं, अगर आप बताना चाहें तो बताओ। एकमिषे विष्णुस्त्वं नयतु, मैं प्रथम पद चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप अपनी शर्त तो हमें बताएं। तो कन्योवाच, कन्या बोलती है, धनम धान्यम च मिष्टानम व्यजनाध्य च यद्गृहे मदधीनम ही कर्तव्यम तथा स्वीकरोम्यहम्। हे वर, घर में जितना धन धान्य मधुर पदार्थ विविध भोजनादि वस्तुएं जो कुछ लाएं, वह सब आपको मुझे समर्पण करना पड़ेगा। और सुनिए, धन कमाने के लिए घर से बाहर तो जाना ही पड़ता है, लेकिन घर से बाहर अगर आप धन कमाने के लिए जाते हैं तो अवश्य जाना चाहिए, लेकिन किसी बिना कारण के घर से बाहर रुकना अच्छा नहीं है। अगर आप बिना कारण घर से बाहर रुकते हैं तो ये नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। तो बोले, आप स्वीकार करते हो? बोले, नहीं नहीं, हम बिना तुम्हारी आज्ञा के बाहर कभी रुकेंगे ही नहीं। तो आपको स्वीकार है? तो पहली रेखा, अगर आपको स्वीकार है तो पहली रेखा मिटा दो। बोले, हम तैयार हैं। अब बर बोले, द्वी ऊर्जि विष्णुस्त्वा नयतु, मैं दूसरा पग चलने के लिए तैयार हूं। तो कन्या बोले, गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासी व सर्व बंधूनां भाजनानि च मार्जये
स्वसुरज्येष्ठ जामानाम आज्ञाम चित्तानुवर्तिनी भविष्यामि त्वया स्वामिन् कर्तव्यम् पालनम् मम। मैं घर के सब काम काज करूंगी, दासी की भांति रहकर के आपकी सेवा करूंगी। मीठा बोलूंगी, सास ससुर ज्येष्ठ ननद सबकी आज्ञा का पालन करूंगी और आपका स्मरण, आपको स्मरण रहे तो आपके प्रति कर्तव्य का पालन करूंगी। तो आप पूछ, मैं पूछ रहा हूं तो आपको स्वीकार है, आपको स्वीकार है, आपका आपको स्वीकार है ना, तो मिटा दो। अब तीसरा त्रीणि राय स्पोखाय विष्णुस्त्वा नयतु। मैं विष्णु रूप तुझे धन की वृद्धि एवं समृद्धि के लिए तीसरा पाद चलने के लिए कहता हूं। तो कन्या बोलती है कि मेरी तीसरी भी शर्त है, अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं तो मैं आगे चलने के लिए तैयार हूं। बोल दिया, आपकी कोई शर्त है क्या? तो सुनो, आपके द्वारा बोला जा रहा है, आपके द्वारा भी मैं ही बोल रहा हूं, आपको उसका अनुमोदन करना है और जो कन्या के द्वारा मैं बोला हूं आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, कि क्या ये मेरे अनुकूल बोल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आपके अनुकूल है तो आप तुरंत कहिए हाँ ठीक है, प्रतिकूल लगे तो थोड़ा रुक जाना, बोलना नहीं नहीं ये तो भारी है। ठीक है, अब कन्या बोल रही है, पालिता हम च दुखेन मात्रा पित्रा च बंधुवि तेरेव दत्त सलिलम हस्त्रे गृह्णाग्नि सन्निधो पुरोहितः गुरु प्राज्ञ सर्व बंधु समागमे जातिरन्या च मे जाता गोत्रम नाम कुलम तथा सुखेन सर्व जीवन्तु परन्तु न बलम मम त्वयि नाथवती चास्मि कर्तव्यम पालनम मम। तीसरी बात क्या कहती है कन्या, कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़ी कष्टों से पाला है और उन्होंने ही अग्नि के समीप पुरोहित गुरु और बुद्धिमान सगे संबंधियों के सामने मुझे संकल्प करके आपको दे दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र आज से सब बदल गए हैं, सभी मेरे संबंधी सुख से रहें, मेरे में कोई बल नहीं है, आपके होते हुए हे स्वामी, आपके होते हुए स्वामी वाली हूँ, आपको मेरा पालन करना होगा, आप करोगे क्या? आप करोगे? ठीक, अब बर चत्वारि मयो भवाय विष्णुस्त्वा नयतु। कहते हैं कि धर्म के लिए मेरे लिए आगे चलो, आप चलना चाहेंगे बिना शर्त के चलेंगे कि कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपके कुछ प्रश्न हैं फिर अभी शेष? अरे अभी तीन प्रश्न पड़े हैं। तो फिर कन्या बोलेगी कि सुख दुखानि सर्वाणि भुंजाना त्वचया सह त्वयि प्रसन्ने सुमुखी रुष्टे च प्रियवादिनी भवतः सुखमिच्छन्ति गौर्या राधा राधनं तत्पराः भविष्यामि त्वया स्वामिन् कर्तव्यं पालनं मम। चौथे पद में कन्या कहती है कि मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध में आने पर मधुर वचन बोलूंगी, आपके सुख के लिए भगवती गौरी का भी पूजा करूंगी, भगवती गौरी का पूजन करूंगी, परंतु आपको मेरा पालन करना होगा, मैं आपके लिए सब दुख के सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरा पालन करोगे, आप मेरे साथ
मधुरता से व्यवहार रखोगे, रखेंगे तो उधर बोलो ना, हाँ तो मिटा दो, चौथा भी मिटा दो। ओम पंच पशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतुः, अब वर कहता है कि पांचवें शर्त में कि आप मेरे लिए धर्म के लिए आगे चलें, तो फिर आपका फिर प्रश्न होता है कि आपको बोलना चाहिए नहीं अभी मैं नहीं चलने वाली है ना, अभी सातवें प्रश्न तक आपको मना ही करना है, ठीक है। तो फिर आप अपना प्रस्ताव रखेंगे कि कुटुम्बम पालनीयम च त्वया यौवन वार्धिके यद्यद्वांछामि ते स्वामिन् तत्तद्देयं सदा मम कोपश्चित्ते न वै कार्य सदेयं प्रार्थना मम एवं यदि प्रमाणं ते वामांगं संभजाम्यहम्। पांचवें पद में कन्या कहती है कि आपको युवा से वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा, आप ध्यान से सुने हैं, आपके लिए बोला जा रहा है, और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं आप मुझे वही देंगे, और बार बार मेरे मांगने से क्रुद्ध नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है, बिना क्रोध के सारी मांगे सारी शर्तें पूरी करनी। मेरी यह प्रार्थना यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम भाग की ओर चलने के लिए तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? जो शर्त कही आप उसके लिए तैयार हैं? तो जोर से हाँ बोलो। छठवीं शर्त, छठवीं में आपने कहा कि षड ऋतु भ्यो विष्णु स्वामनोयतु, आप छह ऋतु में सुख भोगने की कामना से कन्या को चलने के लिए प्रेरित करते हैं कि मेरे आगे चले, तो कन्या फिर कहती है कि नहीं 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 अभी मेरी शर्तें पूरी नहीं हुई है। तो क्या शर्त रह गई है? बोले सर्व बंधु जना स्वामिन भवतो दासताम गता जलपात्र कंकणाभ्याम दत्ताहम प्रेम पूर्वकम त्वया कदापि नो वाच्यम किम दत्तम तव बंधुवे अवश्यम सह संवासात कलिर्वेन्द्रणाम। आप कह रहे हैं कि हे स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए हैं, क्योंकि आपको मेरे दिए जाने के बाद मेरे माता और पिता ने आपका भी दासत्व स्वीकार कर लिया है, उन्होंने प्रेम पूर्वक जल या पात्र द्वारा कंकण बांधकर मुझे दे दिया है, कभी यह न कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया है, एक साथ रहने से प्रायः झगड़ा हो ही जाता है, सेवक के अपराध को स्वामी यथासंभव क्षमा करे, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? अब सातवां है, हम भी अविवाहित हैं। अब सातवां सुनो। सके सप्तपदा भवसा मामनु व्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु। सातवें पद में वर कहता है कि हे सखे सप्तपदी वचनों का पालन करती हुई तो विष्णु रूपी अनुगामनी हो, और सातवें पद के लिए कन्या कहती है कि नहीं 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 अभी मेरा एक वचन शेष है, अगर आप मानोगे तो फिर मैं वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं। क्या क्या वचन है? बोले होमे यज्ञे विवाहे च कन्यादाने मखी व्रते अंचल ग्रंथिमादाय भवताम वाम वामांगसस्थितः अर्धपुण्यम गृहीष्यामि नत्वहं पाप भागिनी अर्धपापं प्रदास्यामि चांगी कार्य यदि त्वया। क्या कहा? कि हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में आपके अंचल पकड़कर वाम ओर ठहरूंगी, आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी किंतु पाप का नहीं। आप कितना भी पुण्य करो उसका आधा भाग
धर्म पत्नी को मिलेगा, और हाँ और पाप जितना भी करो पाप स्वयं भोगना पड़ेगा। पाप का नहीं, केवल पुण्य का। परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप के अर्ध भाग के आप भागीदार होंगे। सुन लीजिए, आप पाप करेंगे तो उस पाप का भागी धर्म पत्नी को नहीं बनना पड़ेगा, और धर्म पत्नी पाप करेगी तो उसका आधा फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। यदि आप इसे स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं। स्वीकार है, मिटा दो। अब आठवीं रेखा मारो। अब ये सप्तवचन तो पूरे हो गए, अब एक शर्त आपकी है। आपने तो सात बातें सुनी, सब बातों को बिना सुने समझे हां भर दी। अब आपके लिए एक वचन है, आपने ध्यान से सुनना, आपके लिए इनके द्वारा कहा जा रहा है। आदो धर्म धरा कुटुंब सुगदा तथ्य प्रिया भाषिणी क्रोधालस्य विवर्जिता सुख करी नित्यं वचक कारिणी पित्रोर्मे पचितो रथात भगनी प्रेमाद्र चित्ता तथा इत्येवं सर्वगुणालिभूषित तनु पाल्या भवित्री मम उद्याने मध्यपस्ताने परगेहि गमनं तथा परपुंसारति गीतं हास्यं भर्ज तदा सदा मदीय चित्तानुगतश्च चित्तं सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रत धर्म परायणा त्वं कुर्या सदा सर्वमिदं प्रयत्नं विना पत्नीं कथं धर्म आश्रमाणां प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वास्ता भवभामांगगामिनी। अब आपने ध्यान से सुनना है क्या बोल रहे पति देवता आपके लिए। आपको इस वचन का पालन करना, आपको साथ कहा उन्होंने हर में हां बोला, अब आपको बोलना है इसमें। सत्य तथा प्रिय भाषण आपको करना है, क्रोध और आलस्य का त्याग करना है। सुन रहे, मेरे माता पिता तथा भगिनी का प्रेम पूर्वक सत्कार करना, ससुर जी का, सास जी का, भगिनी मतलब बहन का, ठीक है। सभी गुणों को यदि तू मानती है तो मेरा पालन, मैं तेरा पालन करूंगा। सुन रहे हैं, बगीचे में शराबियों के स्थान में नहीं जाना। हाँ, जहां कहीं शराबी बैठे हो वहां नहीं जाना। सुन रहे हो? फिर और भी शर्त सुनो, बिना कारण के किसी के घर में नहीं जाना। सुन रहे हो? बिना कारण के दूसरे के घर में नहीं जाना, पर पुरुष के साथ बिना पति की वार्ता भी नहीं करना, ठीक है। गाना सुनो, गाना गाना बजाना और हंसना, यहीं से त्यागना है। घर के भीतर जो भी सुख दुख होंगे उसमें मैं आपका साथ दूंगी, ठीक है। और हाँ, आपका, हाँ जी जी, यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं भी तुम्हारी सभी बातें मानने के लिए तैयार हूं। ये यहां पर वरनारायण स्वयं बोलते हैं कि इतनी शर्तें अगर तुम मेरी मान लेती हो आपकी कोई भी शर्त हो उसे मैं पूरी करूंगा। बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम का पालन नहीं हो सकता,
अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, अब तुम मेरी वामांगी बनो। क्या आप तैयार हैं? यो रेखा मार दिया वा आठ। अब उन्होंने सात मान लिए कि आप भी मान लो, मिटा दो। इनको डॉट हो रहा है कि गाने बजाने में और उसमें जो है ये थोड़ा डॉट हुआ है। एक्चुअली पहले जो होता था फूल से मिटा दो आप। ऐसा था पहले, ये गाना बजाना या कहीं जैसे एक बगीचा भी ये सुन रहे थे बड़े गौर से, बगीचे में ना जाना, इसका तात्पर्य ये था कि उस समय का जो समय था वो उसी के अनुसार था। गाना बजाना का मतलब है कि इतने सभ्य समाज नहीं था उस टाइम। जो पढ़े लिखे थे तो बहुत अच्छे थे, और जो अनपढ़ थे वो जरूरत से ज्यादा अनपढ़ थे। तो अब ऐसे लोग जो असभ्य लोग हैं, करणम ओम सुमंगलेरियंबधूरि माघुं समेत पठयत सौभाग्यमशये दत्वा यथास्तं विपरीतनः। ओम सुमंगलेरियंबधूरि माघुं समेत पठयत सौभाग्यमशये दद्वा यथास्तं विपरीतनः। सिंदूर सर्व सौभाग्य सिंदूर सुख संपदा ददा नव सीमन्ते सिंदूर सुख वरदना। सिंदूर सर्व सौभाग्य सिंदूर सुख संपदा ददा नव सीमन्ते सिंदूर सुख वरदना। सिंदूर सर्व सौभाग्य सिंदूर सुख संपदा ददा नव सीमन्ते सिंदूर सुख वरदना। सिंदूर सर्व वरदना सिंदूर सुख वरदना। तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा घर मेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से मेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। ओ 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
जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से तेरी सारी रतियां मेरी हो गई, आज से मेरा दिन तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। एक आंधे का जो दिल है वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। ओ रब ने बना दी जोड़ी, हाय। इस मनहर जोड़ी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और उनके लिए उनका तो बहुत सुना हुआ है, सबका ही सुना हुआ है, पर इन दोनों के लिए उनके ही सीरियल का एक गाना है जो गाती हूं। शगुनों की घड़ियां झूमे अंगनाई, ये रिश्ता दिया है बोले बोले शहनाई, मेहंदी हाथों पे रचाई, बिंदिया माथे पे सजाई, जी मिलन रुत आई। सबको साथ में गाना होगा तो मजा आएगा। और क्या कहेंगे? बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। आई शगुनों की घड़ियां झूमे अंगनाई, ये रिश्ता नया है बोले बोले शहनाई, मेहंदी हाथों पे रचाई, बिंदिया बात पे सजाई, जी मिलन रुत आई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई।
इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।